लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए आज तक एक पहेली बना हुआ है, लेकिन एशिया का एक और देश इसकी बराबरी कर रहा है। ये देश है तुर्कमेनिस्तान, जो स्वतंत्र देश होने के बाद से ही दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। तुर्कमेनिस्तान 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद सपरमारुत नियाजोव ने यहाँ की सत्ता संभाली। अपने कार्यकाल में नियाजोव ने देश में एक से एक बेहतरीन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनवाए। अशगाबत के बर्डशेप एयरपोर्ट से लेकर 11 स्टोरी वेडिंग पैलेस तक तुर्कमेनिस्तान ऐसे कई तरह के बेहतरीन आर्किटेक्चर से भरा है। 7000 टन स्टील और 14000 स्क्वायर मीटर ग्लास से बना ये 5-स्टार होटल पूरे तुर्कमेनिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 107 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग दूर से किसी जानवर की आंख जैसी नजर आती है। इस 24 स्टोरी बिल्डिंग में कुल 155 रूम्स हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत में बने इस कम्युनिकेशन टावर की ऊंचाई करीब 211 मीटर है। इसकी खास बात है कि इसके 29वें फ्लोर पर 360 डिग्री तक घूमने वाला रिवॉल्विंग एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। करीब 15,000 करोड़ रुपए में बना तुर्कमेनिस्तान का अशगाबत इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर में आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। सितंबर 2016 में देश के प्रेसिडेंट गुरबांगुली बर्दी मुहामेदोव ने इस एयरपोर्ट को दुनिया के सामने पेश किया था। एयरपोर्ट से एक घंटे में करीब 1,600 पैसेंजर्स एक साथ सफर कर सकते हैं। सीक्रेटिव स्टेट होने की वजह से अब भी इस एयरपोर्ट पर कई देशों के टूरिस्ट नहीं आ पाए हैं।